Ranjan, what are the five rules of nursing? Yes, sir. Sir, these are right time, right patient, right drug, right dose, and right route. Okay, बहुत बढ़िया. चलिए, who is the first registered nurse of India? Yes, sir. She was by Kashibai Ganapat in 1891 in Bombay. Okay. देखिए, वर्ल्ड की जो नंबर वन नर्स, जिसे क्वीन ऑफ नर्स कहा जाता है, मदर ऑफ नर्स कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटेंगल सब जानते हैं, बट रिगार्डिंग इंडिया फर्स्ट रजिस्टर्ड नर्स बाय काशीबाई गणपत. रियली आपको एक्सपीरियंस है इस जॉब का? यस सर, मैंने 2 ईयर तक एज ए नर्स वर्क किया है. ओके, फिर आप चेंज क्यों करना चाहते हैं? सर, आई वॉन्ट टू चेंज फॉर माई बेटरमेंट. ओके ओके, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? सर, सैलरी मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि मेरे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा ज़रूरी है. किस तरह के लोगों के साथ आप वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं करते? सर, वैसे तो मैं हर माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेती हूँ और सबको सबके साथ मिलकर काम कर सकती हूँ. okay. पर फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं है जो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड नहीं है और लेजी हैं. आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रेंथ्स आपके अंदर? यस सर. सर, माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आर दैट आई एम हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, ऑनेस्ट एंड मोटिवेशनल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल. ओके, आपकी कोई वीकनेस? यस सर. सर, आई एम ए वर्कहोलिक एंड ए लिटिल टॉकटिव गर्ल. आपकी हॉबीज़ क्या है? यस सर. सर, मेरी हॉबीज़ हैं नए नए लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना, ट्रैवलिंग करना, न्यू कल्चर एक्सप्लोर करना एंड पैट रखना एंड गार्डनिंग. पैट्स रखना? यस सर. में आपको क्या पसंद है, डॉग्स पसंद है, कैट्स पसंद है? सर, बोथ आर. बोथ? यस सर. ओके, चलिए अब ये बताइए मैं कि जैसे आपका नाम है रंजन, तो व्हाट डज इट मीन? सर, माय नेम मींस विनर. एज माय नेम व्हिच इज माय पर्सनालिटी, एज आई एम एंबिशियस एंड ऑनेस्ट गर्ल. ओके, हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर्ड इन योर 12th स्टैंडर्ड? सर, 93% मार्क्स. एंड 10th स्टैंडर्ड? 93% मार्क्स. ओके, बोथ अबाउट 90%. यस सर. ओके, यू आर हैविंग सर्टिफिकेट फॉर दैट? यस सर. दैट्स गुड. यू लाइक टू वर्क अलोन और इन टीम? आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर, मैं ज़रूरत पड़ने पर अकेले भी काम कर सकती हूँ, पर मैं टीम वर्क को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि टीम में ज़्यादा वर्क होता है और ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलती हैं. यस सर. रजन, अपनी फैमिली के बारे में बताइए. जी सर. सर, इन माई फैमिली वी आर 5 मेम्बर्स. माई फादर इज़ फार्मर, माई मदर इज़ होम मेकर एंड माई 2 यंगर सिबलिंग्स आर स्टडिंग. ओके, मान लीजिए अगर किसी को एम्स में अपना करियर बनाना है तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? यस सर. सर, पंक्चुअल हो, हार्ड वर्किंग हो, अपने काम के लिए ऑनेस्ट हो, उस इमरजेंसी में काम रह सके, शांत रह सके और पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव कर सके एंड उन्हें अपनेपन का एहसास करा सके. दैट्स गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने. चलिए रजन, अब समय आ गया हमारे इन व्यूअर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं. दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देते हैं. वो टिप आप ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम आने वाला है. देखिए, सबसे पहले तो यदि आप नर्सिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो टेक्निकल आपका पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए रिगार्डिंग मेडिसिन, रिगार्डिंग द केयर ऑफ वर्किंग नर्स, और आपके पास जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपसे एक्सपीरियंस रिलेटेड टॉपिक्स जरूर पुटअप करेंगे. इवन आपको सिचुएशंस देंगे कि यदि ऐसा हो, यदि सिचुएशन वर्स है, एडवर्स सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, पेशेंट आपकी बात नहीं मान रहे या हार्ड डिफिकल्ट पेशेंट है तो आप कैसे इनको मैनेज करेंगे. यानी कि ये मान लीजिए कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वो जरूर देंगे, फर्स्ट. दूसरा, आपसे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस के अंदर मेडिसिन पे डिस्कस किया जा सकता है, इंजेक्शन पे डिस्कस किया जा सकता है, तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए. फिर आपका पॉइंट आपका एचआर, यानी कि आपकी खुद की पर्सनालिटी देखी जाती है उसके अंदर. दोस्तों, आप ये नहीं कह सकते सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि देखिए बहुत से इंजेक्शन, बहुत से मेडिसिन के नाम इंग्लिश में ही होंगे. यदि आपको पढ़ना नहीं आएगा, अच्छे से स्पेलिंग्स नहीं आती, तो आपको प्रॉब्लम रहेगी. इसलिए आप इंग्लिश में अपनी कमांड बनाइए, अपनी पर्सनैलिटी पर कमांड बनाइए. जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उनको लगने दीजिए दैट यू आर पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग विद डॉक्टर ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग एवरी पार्ट ऑफ देयर वर्किंग. क्योंकि जब कभी वर्क है डॉक्टर का तो ऑलमोस्ट जो नर्सिंग का जो प्रोफाइल है वो इक्वल टू डॉक्टर ही होता है, आप भी जानते हैं. तो उस समय यदि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, यदि आपकी कमांड अच्छी है इंग्लिश की, तो आप अपनी कमांड बनाइए, इंग्लिश पे प्रैक्टिस कीजिए. इंटरव्यू देने से पहले, फाइनल इंटरव्यू देने से कम आप 1 वीक प्रैक्टिस कीजिए मॉक सेशंस की. मॉक इंटरव्यू दीजिए बार बार, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा. बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कीजिए. ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल्स पर मिलेगी. आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए, बहुत कुछ सीखिए.